रिंकू सिंह, लॉर्ड रिंकू सिंह, वो बल्लेबाज, वो फिनिशर जो आते ही गेंदबाजों की हालत खराब करते। और यार एक और चीज, मुझे ना ये यार ये टीम इंडिया का भी बैटिंग ऑर्डर ही नहीं समझ में आ रहा। जो बंदा अच्छे से खेल रहा है, जो रन मार रहा है, उसको तुम एंड में उतार रहे हो। अभी सेकंड T20 मैच देखा आपने, उसमें उन्हें थोड़ा पहले उतारा, चौथे नंबर भैया उतरे रिंकू भैया, और उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की, हालत खराब कर दी उन्होंने, मतलब जिम्बाब्वे के बॉलर्स की। लेकिन फिर तीसरा T20 मैच हुआ, तीसरे T20 मैच में क्या हुआ आप सबने देखा कि शायद मुझे लग रहा है कि छठे नंबर बता रहे थे, एक बॉल खेली थी भैया ने। अरे यार मतलब जो काबिल है उनको तो ऊपर उतारो, मतलब तुम फिर टीम इंडिया से निकाल देते हो, तुम बाहर बैठा देते हो कि अभी अच्छा नहीं खेल रहा। भाई अच्छा कब नहीं खेलता पता है? जब नहीं खेलते, जब मौके नहीं मिलते। तुम एक मैच में आगे भेज रहे हो, एक मैच में बिल्कुल पीछे कर रहे हो। यार ये कौन सी मतलब इंसाफ है उनके संग। मतलब ये मैं देख रहा था कि पहले सुमन गिल और जायसवाल ने ओपनिंग की, ठीक है बढ़िया बात है। अभिषेक शर्मा को सेकंड पे भेज दिया, मतलब तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर भेज दिया किसको? ऋतुराज को। पांचवें में भेज दिया सैमसन को, और छठे भेज दिया रिंकू भैया को। अरे भाई बिल्कुल एंड में उतार रहे हो तुम यार। और मुझे तो ये लग रहा था अगर थोड़ी सी बॉल और बची हुई तो मतलब शुभमन गिल को भेज देते पहले, तो एंड में भेजते बिल्कुल, मतलब एक बॉल के लिए तुम भैया को भेज रहे हो। भाई उनकी आपने देखी, सबने देखी होगी कि जब वो सेकेंड T20 मैच था, उन्हें मौका मिला, टाइम था, और उन्होंने वो मौका मतलब पूरी तरह से अपने अच्छी तरह से उस मौके को लिया, और उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की, छक्के छुड़ा दिए उन्होंने बल्ले गेंदबाजों के। अब तीसरा T20 मैच में आपने फिर से वही मतलब एंड में उतार दिया। वो पहले भी उतारे जा सकते थे, ऐसा नहीं है। मतलब देखो सारे बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं, टीम इंडिया के पास भाई बैटर्स की कमी नहीं है इतने सारे। और हमारे शुभमन गिल कैप्टन साहब इतना स्लो खेल रहे थे कि वो तो मतलब वो सोच रहे थे कि टेस्ट मैच चल रहा है, ये वनडे चल रहा है, विकेट बचाए रखनी है। अब भाई विकेट जब बचाए रखनी होती है, जब हमें लगता है कि कोई हमारे पास बैट्समैन ही नहीं है, हमारे पास इतने सारे बैट्समैन थे लेकिन फिर भी वो बट कोई नहीं। अरे फिर विकेट गिरी, उसके बाद तुम्हें रिंकू सिंह को लाना चाहिए था, क्योंकि रिंकू सिंह स्कोर को और अच्छा करते थे। स्कोर सही हो जाता, स्कोर वैसे भी सही था, टीम इंडिया जीत गई, वो मैं नहीं कह रहा, बस मैं इतना कह रहा हूँ बैटिंग ऑर्डर नहीं समझ में आ रहा यार मुझे। जो लायक है, काबिल है, आप बिल्कुल एंडम भेज रहे हो उनको, एक एक बॉल के लिए भेज रहे हो बस, ये कौन सा इंसाफ है उनके संग। आप मतलब मेरे ज्यादा मैं कानून निकालू, ज्यादा मैं बोलू इस चीज के लिए, वो मेरे नहीं है हक में। लेकिन मैं बस इतना पूछ रहा हूं आप सबसे, जो भी बैटिंग ऑर्डर तय करते हैं, किसी को क्या भेजना, कहाँ भेजना है, 4 ओवर, 10 ओवर बच रहे हैं, 3 ओवर बच रहे हैं, 5 ओवर बच रहे हैं, आप भैया को भेज सकते हो, लेकिन उस जगह भी और प्लेयर भेजे जा रहे हैं। अबे चेन्नई सुपर किंग का मैच थोड़ी है कि थाला एंड में उतरेंगे। बिल्कुल भाई, जब तक ये खेलेंगे नहीं तब तक कैसे आप इनको आगे और अच्छा कर पाएंगे। तुम तो पीछे के पीछे उतारते रहो, फिर तो और शिवम दुबे को भेज दो, फिर सुंदर को भेज दो, उसके बाद भेज दो। अरे यार जो चाहिए टीम को, एक ऐसे रिंकू सिंह एक ऐसे फिनिशर हैं जो आगे जाके टीम में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करने, मतलब आगे मतलब पूरा तुम कहीं भी भेज दो उन्हें, वैसे उनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, उनके ऊपर बैटिंग ऑर्डर। अगर कल भी बॉल बची होती, अगर 1-2 ओवर होते तो ताबड़तोड़ बैटिंग कर देते कल, क्योंकि उनके आने से ही उस बंदे ने मतलब कुछ ही दिनों में अपनी वो छाप छोड़ी है, अपना लोहा मनवाया टीम इंडिया में। कैसे स्ट्रगल से वो आए, चढ़ के ऊपर आए, थोड़ा ऊपर बढ़े, फिर भी इस राजनीति से ऊपर निकल के उनका नाम आया टीम इंडिया में, सिलेक्शन हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात एक और, उन्होंने कई रिकॉर्ड भी बना लिए कुछ ही दिनों में, आखिरी ओवर में 5 छक्के, भाई कोई लगाना नॉर्मल है किसी के लिए? आखिरी ओवर में वो भी 30 रन चाहिए हो, 5 बॉल हो, और लगातार तुम 5 छक्के जड़ दो, बहुत बड़ी बात है यार। जो वो हो गया आखिरी के 19वें 20वें ओवर में, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेल रहा है वो, 350 के स्ट्राइक रेट से करीब खेल रहा है वो, बहुत बड़ी बात है ये। अभी इंडिया का कोई प्लेयर नहीं है इतने ऊपर, सूर्य कुमार यादव थे वो पीछे कर दिए, ठीक है। एंड आपने जो पीछे की पिछली जो सीरीज हुई है साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया से, इतने बढ़िया बढ़िया मैच जिताए उन्होंने, इतनी बढ़िया बढ़िया पारी खेली है, आप वो सब चीज देखो। सबसे पहले तो दुख यही हुआ था कि उन्हें वर्ल्ड कप में रिजर्व में रखा गया, बट कोई नहीं, वर्ल्ड कप भी निकल गया, चीजें खत्म हो गई, आगे के आने वाले वर्ल्ड कप में। लेकिन आगे के आने वाले वर्ल्ड कप के लिए अगर आप उन्हें मौका नहीं दोगे,
सही बैटिंग ऑर्डर पे नहीं खिलाओगे, थोड़ा पहले नहीं भेजोगे, उनके लिए 5-6 ओवर नहीं बचाओगे, तब तक फिर आगे के लिए फिर आप चेक तय कर लोगे उन्होंने रन नहीं मारे। डिपेंड तो सब आपके ऊपर है ना, जो भी चयन करते हैं, जो भी देखते हैं कि किसको पहले भेजना है, किसको कब भेजना है। और इतने सारे मतलब बैटिंग ऑर्डर, मतलब इतने सारे बैट्समैन है अभी टीम इंडिया के पास, कि कोई प्लेयर को धीरे खेलने की तो कोई जरूरत नहीं है कि भाई आओ ताबड़तोड़ बैटिंग करो, क्योंकि आपको स्कोर बढ़ाना है। बैटिंग ऑर्डर बहुत है, या तो विकेट गिर रही हो, विकेट नहीं हो तो आप बहुत स्लो खेलो, आपको वनडे की तरह टेस्ट की तरह नहीं खेलना। तो मुझको ये सच में ये चीज बेकार लगी, शुभमन गिल जिस तरह से खेले थे, बट कोई नहीं, कैप्टन साहब है, क्या बोल सकते हैं। बट अब मैं इतना ही देखता हूँ कि आगे के 2 मैच और बचे हुए, देखते हैं कहाँ पर किस, मतलब सेकेंड T20 मुझे मैच मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि किसी और को ना भेज के, मतलब रिंकू भैया को चौथे नंबर पर उतारा गया था, और चौथे नंबर पर उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की भाई, 10 बॉल में 10 रन थे उनके। आगे के आपको पता है कि 22 गेंद में 48 रन, और आखिरी ओवर को देखा आपने कितना धुआं बिखेरा था, छक्के ही छक्के। उनको मौका दो, मौका मिला है, लेकिन उनको सही जगह मौका दो, मतलब बैटिंग ऑर्डर उनका थोड़ा ऊपर लाओ। मेरे बस ये अरदास है आपसे, प्रार्थना है, प्रे कर, मतलब हाथ जोड़ के करो यार, क्योंकि बहुत अच्छे फिनिशर हैं वो, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे फील्डर भी हैं, आप सभी जानते होंगे, हमेशा फिट रहने वाले, हमेशा अच्छी तरह से खेलने वाले, और बहुत कुछ डिजर्व करते हैं वो। वो ये नहीं कि वो आप उन्हें 1-1, 2-2 बॉल, 3-3 बॉल के लिए उन्हें बुला रहे हो, वो डिजर्व नहीं करते, वो डिजर्व करते हैं, आप उन्हें मौका दो, अच्छे अच्छे बैटिंग ऑर्डर पर खिलाओ उन्हें। कोई नहीं, आगे के 2 मैचों में देखें कैसा होने वाला है, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो, और मिलते हैं एक और नई वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।